मध्य प्रदेश के गुना जिले में निर्माण करने के दौरान नाली हुई चोरी, विधायक से ग्रामीण ने की शिकायत। साहब 2019 में नाली स्वीकृत हुई और 2020 में पैसा भी निकल गया, लेकिन नाली नहीं बनी है। इससे लग रहा है कि नाली बनने के बाद चोरी हो गई है, या अजीबोगरीब पीड़ा गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के देदला गांव निवासी शिवराज मीना ने विधायक लक्ष्मण सिंह के समक्ष रखी। बनेगी नाली को कौन चुरा ले गया यहाँ से? नाली आखिर गई कहाँ? क्या सुनते ही विधायक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तत्काल जनपद के जिम्मेदारों से उसी अंदाज में कहा कि जिसने नाली चुराई है उसी से पैसा वसूल कर नाली का निर्माण कराया जाए। चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह की बैठक का मामला। दरअसल चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह गुरुवार को त्रैमासिक समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान उनके समक्ष एक दिलचस्प मामला आया। देदला गांव के रहने वाले शिवराज मीना ने गांव में नाली चोरी होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2019 को सुरेश के मकान से शमशान घाट की ओर 1.5 लाख रुपए लागत से नाली निर्माण की स्वीकृति मिली थी। गांव में तो नाली कोई दिखाई ही नहीं दे रही। इसके बाद 22 जनवरी 2020 को 49,915 रुपए का भुगतान भी हो गया, लेकिन गांव में तो कोई नाली दिखाई ही नहीं दे रही। इससे ऐसा लगता है कि नाली बनने के बाद चोरी चली गई है। यह पीड़ा सुनने के बाद विधायक भी उसी अंदाज में आ गए। उन्होंने फरियादी से कहा, चिंता मत करो, जिसने नाली चुराई है वही बनवाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनपद पंचायत के जिम्मेदारों से कहा कि जिसने नाली बनाए बिना ही सरकारी पैसा निकाल लिया है उससे पैसा वसूल कर नाली का निर्माण कराया जाए। हाँ, मेरे गांव में यहाँ पे 2019 में 1,50,000 रुपए राशि स्वीकृत हुई थी, 2020 में राशि निकाल ली गई और इन लोगों का कहना है कि हमने राशि वापिस जमा कर दी। जब गांव वालों को इतनी समस्या है तो इन्होंने राशि वापिस क्यों करी? और जब गांव वाले कहते हैं कि नाली कल बनेगी परसों बनेगी, नाली को कौन चुरा ले गया यहाँ से? नाली आखिर गई कहाँ? नाली कागजों में चोरी हो चुकी थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि हम जांच करवाते हैं, जांच में उन्होंने आज बोला कि नहीं नहीं वो राशि हमने वापस भेज दी है। तो राशि वापस भेजने का मतलब क्या है? जब राशि आ गई स्वीकृत हो गई है फिर भी काम नहीं हुआ, और आज प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने राशि भेज दी, और सरपंच बोलता है कि हम बस कल काम चला रहे परसों चला रहे, गाँव वालों को पागल बना रहे, गुमराह कर रहे। कुछ भी नहीं हुआ 4 साल से, तो मैं देख रहा हूँ।